कि यहाँ का लंडा बहुत ही अच्छा है। बल्टी मार्केट में बहुत ज्यादा लंडा लगा हुआ है, उसके बगैर सर्दी रुकती नहीं है। इंसान जहाँ मर्जी चले जाए तो लंडा ही मिलता है जहाँ पे। लंडा जो है जहरी बात है, हर बंदे का दोस्त है। लंडे का लिहाज से लंडा बहुत ही अच्छा है। लिबर्टी में लंडा भी बहुत बिकता है और अंडा भी बहुत बिकता है और डंडा भी बहुत बिकता है लिबर्टी में। लिबर्टी मार्केट में लंडा काफी बिकता है, यहाँ पे लेडीज आके लंडा ही ढूंढती हैं। लंडा ढूंढते ढूंढते उनको ईद हो जाती है, ईद के दिन भी लंडा ढूंढती रहती हैं। ओ ये लंडा बहुत अच्छा लगता है। कस्टमर क्या कहता है, किस तरह का इतराज करता है? कस्टमर यही कहता है ये लंडा है, लंडा ये नहीं समझते, लंडा महंगा हो गया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम लंडे की चीजें लेते हैं ना, उससे बहुत बेहतर होती है कि हम नहीं ले लें। ओ ये लंडा बहुत अच्छा लगता है, इसमें जो हर चीज होती है वो सब अच्छी लगती है। सभी ये पहन के लंडे की हर चीज को अच्छा समझते हैं। अंग्रेजों ने पाकिस्तान में अपनी विरासत छोड़ी है, उनमें से एक लिंडा बाजार है जिसे अब पाकिस्तानियों द्वारा लांडा बाजार के नाम से जाना जाता है। एक ब्रिटिश महिला जिसका नाम लिंडा था, उसने इस परियोजना को गरीब लोगों के लिए एक चैरिटी के रूप में शुरू किया था। अपने आसपास के वंचित और गरीब लोगों को देखने के बाद उसने अपने दोस्तों से दान के लिए अनुरोध किया और उनके वितरण के लिए जगह का नाम लिंडा के नाम पर लिंडा मार्केट रखा गया। शुरुआत में लिंडा बाजार में मुख्य रूप से कपड़े और जूते जैसे चीजें शामिल थे। आजकल पाकिस्तान में लांडा बाजार सस्ते दामों पर पुरानी वस्तुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो कई गरीब और वंचित लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। अधिकांश लोग लांडा बाजार की एक धर्मार्थ परियोजना के रूप में देखा जाता है। ये बाजार पाकिस्तान में काफी फेमस है। इस बाजार में अमीर लोग अपने कपड़े जूते दान करते हैं या कम कीमतों में बेच देते हैं, इससे गरीब लोगों का फायदा होता है।